बलूचिस्तान में हुआ एक हमला, इस हमले में करीब 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हमला था पाकिस्तान की आर्मी फैसिलिटी पे, और इससे पहले हमने देखा कि ख्याबर पख्तूनख्वा में, यानी कि NWFA पहले कहलाता था, उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी पर कई हमले हो रहे थे। पाकिस्तान बार बार क्लेम करता है कि बलूचिस्तान हमारे साथ है, बलूचिस्तान को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान उनके साथ है तो ये हमले क्यों हो रहे हैं और ये हमले कौन करवा रहा है? तो जवाब मिलता है, इंडिया करवा रहा है। इंडिया करवा रहा है तो क्या बलूचिस्तान के लोग खाली बैठे? बलूचिस्तान के लोग आपको बताते नहीं कि यहाँ हमले होने वाले हैं? डेली एक ब्लास्ट होता है, डेली एक हमला होता है, कैसे हो जाते हैं ये हमले? और पाकिस्तान को जो लाहौर में हमने देखा, अपने ही लोग, अपनी फौज और पंजाबियों को मार रही थी, बलूचिस्तान में क्या होता होगा सबको पता है। बलूचिस्तान का नॉर्थ साइड जो नॉर्थ है, नॉर्थ बलूचिस्तान है, जिसका इलाका है जी मुस्लिम बाग, वहां पर एफसी का एक बहुत बड़ा कैंप है किला सैफुल्ला में, जहां पे अटैक होता है तहरीक तालिबान के लोग, और एक और नई एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है, नाम तो उन्होंने वो किया हुआ है, लेकिन उनका एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 6 लोगों ने हिस्सा लिया, जो TTP के लोग थे, और उन्होंने तकरीबन 30 आवर्स से ज़्यादा इसको होस्टाइल रखा, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर तब आई जब TTP और BLA ने मिलकर बलूचिस्तान में एक बड़ा हमला कर दिया, जहां पर बलूचिस्तान के मुस्लिम बेग टाउन में TTP और BLA ने पाकिस्तान आर्मी समेत 13 लोगों को मार दिया। बलूचिस्तान में दिन ब दिन हमले पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बढ़ते जा रहे, पर पाकिस्तान है कि बलूचिस्तान में जितने भी हमले होते हैं उसका सारा मलबा भारत के ऊपर डाल देता है और कहता है कि जो भी हमले बलूचिस्तान में हो रहे उसमें सबसे बड़ा हाथ रॉ का है और रॉ ही फंडिंग करता है, इसलिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान में मार दिया जाता है। पर जब अब BLA और TTP ने जॉइंटली जो भी अटैक होते हैं उनकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिए, तो अब पाकिस्तान के पास किसी के ऊपर भी इस हमले का मलबा डालने का चांस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि TTP और BLA ने जॉइंटली पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल पूरी तरह नाक के बराबर हो गया है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान आर्मी को मारा जा रहा है और उसका सारा जिम्मेदारी BLA और TTP ले रही है, पर पाकिस्तान आर्मी है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। तो क्या पाकिस्तान में जल्दी ही TTP और BLA का राज आ जाएगा, क्योंकि BLA और TTP को कंट्रोल करना पाकिस्तान आर्मी के बस में नहीं लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। जहां तक रही बात हमारे पड़ोसी की, मैं पड़ोसी इसलिए बोल रहा हूँ कि वास्तविकता तो है ही, वो पड़ोसी है, लेकिन पड़ोस में कोई दिक्कत हो तो आपको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर जो है परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है। तो वहां के हालात जो पिछले 15-20 में चल रहा है कि उनके सारे रहो केतु जो है वो मंगल शनि वो कहा जाता है ना, कि सारे के सारे उल्टे पड़े हुए और उनको जो है सबक सिखाने लगे हैं। लेकिन कोई भी ग्रह कहा जाता है कि जब सबक तब सिखाते हैं अगर आपने कुछ गलत काम किए हो, और शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल सूची कहीं भी वो समान होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगभग एक वर्ष हो गए, उससे भी ऊपर हो गया समय कि जब वहां पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चली हुई है और PTI। मजेदार चीज ये है कि हमें सबको पता है कि AAA यानी कि आर्मी, अमेरिका और अल्लाह, ये 3 शब्द जो है जो कि पाकिस्तान को पूरा आगे ले जाते हैं। तो आर्मी का जो प्रश्न है वो क्या है हमको सबको पता है, और वहां के लोग उसको जो है वो परेशान जो है ज्यादा है आर्मी के कार्यकलापों से, क्योंकि भले ही वो आम जनता डायरेक्ट लिंक ना हो, लेकिन आर्मी जो भी कुछ एक्टिविटी कर रही है उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो जनता पर जरूर पड़ते हैं। नई एक ऑर्गेनाइजेशन
डेवलप हुई है, नाम तो उन्होंने वो किया हुआ है, लेकिन उनका एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 6 लोगों ने हिस्सा लिया जो टीटीपी के लोग थे, और उन्होंने तकरीबन 30 आवर्स से ज़्यादा इसको हॉस्टाइल रखा, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। कुछ इतलात बता रहे हैं कि 50 लोग जान से गए, कुछ आ रही हैं कि 35 गए। इसका मतलब ये कि इसके दरमियान वाला फिगर यकीनन होगा। उन्होंने जो वहाँ का वेपन्स का डिपो था उसको अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद जिन लोगों को उन्होंने मार दिया था उनका भी असलहा जो वेपन्स होता है वो उन्होंने अपने साथ कर लिया था। क्या हुआ, क्या होता रहा, इस सारी हवाले से बात करेंगे। और फिर टीटीपी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सरब अकप मुजाहिद उनके एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये जो अभी वायलेंस चल रहा था इसके दौरान वो कहते हैं कि हम लोग क्या करते रहे। बात हम करें जी नॉर्थ बलूचिस्तान की, और नॉर्थ बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पर BLA या जो बलोच लिबरेशन के जो लोग हैं उसमें से उनकी एक्टिविटीज नहीं होती, बट हम वहां देखते हैं कि वहां पे TTP की इन्वॉल्वमेंट है। वहां तक बात है कि इमरान खान की, क्योंकि पूरी कहानी के अंदर अगर इमरान खान को निकाल दे तो कहानी बसती नहीं है। इमरान खान को लाने वाले कौन थे? आर्मी। अब इमरान खान को हटाने वाले भी कौन है? आर्मी। अब इमरान खान के पीछे कौन पड़ा है? वो भी आर्मी। और बड़ा एक कॉम्प्लेक्स जो है समीकरण बन गया है, एक जो ऐसी क्वेश्चन जो है उम्मीद नहीं की जा रही थी कि अब तक जो जितने भी रहे, आप सोचिए कि आजाद पाकिस्तान में 1947 के बाद 19 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ये बहुत कुछ बताता है इसमें क्या हो रहा है। ये एक एक्सरे रिपोर्ट है कि आप 19 प्रधानमंत्री हुए और कोई भी एक अपना पूरा टेन्योर खत्म नहीं कर पाया, तो क्या वहां की आर्मी कर रही है ये? और हमें पता है कि लोग कहते हैं कि हर देश के पास एक आर्मी है, सेना है, और लेकिन पाकिस्तान में इससे लगे पास जो है देश है। तो जब ऐसे क्यों लोगों के जो है विचार आते हैं, क्योंकि आर्मी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिसके ऊपर ये इफेक्ट आ रहे हैं, ये जो है लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और मजा चीज ये है कि इसमें से कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जब रिटायर होने के बाद क्या हुआ है, लगभग सभी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ को तो अपना जान भी गंवानी पड़ी है, और उसके पीछे भी कहा जाता है कि सेना का ये हाथ रहा है। और सबसे मजा चीज ये है कि 5 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो जिनके की जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो आर्मी चीफ थे। तो आप सोचिए सेना का कितना ज्यादा कंट्रोल है वहां की पॉलिटिकल डीलिंग्स में। और वो एक छोटा सा एग्जांपल है उसका। आपको याद होगा कि मैं तकरीबन लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये बात कर रहा हूँ कि TTP सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट या कराची वगैरह में ऑपरेट नहीं कर रही, बल्कि बलूचिस्तान में उन्होंने बड़े मजबूत अपने फुटप्रिंट्स बनाए हुए हैं। अब इस अटैक से ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है। मैंने नौशकी अटैक का भी बताया था, मैंने पंजगूर अटैक का भी बताया था, गो के वो एक BLA की कार्रवाई थी या BLA के इस तरह के कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो साउदर्न बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं उनका काम था, लेकिन उनको एक अच्छा खासा कुमक या अच्छा खासा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता रहा है फ्रॉम TTP, और उनकी एक दूसरे से मुलाकातें भी हुई हैं, रही हैं, और अब भी जहां पे फैसिलिटेट कर सकते हैं वो एक दूसरे को करते हैं। साउदर्न बलूचिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहां पे ऑपरेट करती हैं वो नॉर्थ में तो कम आती है या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, अब जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में उनका कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं आते। उनका ज्यादा से ज्यादा टारगेटेड एरियाज जो नजर आते हैं हमें वो तो साउदर्न बलूचिस्तान है, लेकिन उसके बाद सेकंड अगर वहां पे वो कुछ करते हैं तो है जी कराची। और कराची इसीलिए है कि कराची में जब उनको लगता है कि CPEC के हवाले से कोई डेवलपमेंट है या कोई फॉरनर्स हैं उनको वो निशाना बना सकते हैं, तो उसके लिए ये सारा कुछ वो लोग करते हैं। अदरवाइज उनका जो अपना इलाका है साउदर्न बलूचिस्तान का उसी के अंदर वो अपना एक उन्होंने सर्कल बनाया हुआ और वहीं पे वो काफी बड़े छोटे हर किस्म के हमले
वो करते रहते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाते रहते हैं।